गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ ओबी क्रॉय फ्रॉम द मैथमेटिक्स आइकॉन चैनल एंड योर मैथमेटिक्स टीचर एज वेल। एंड इन माई चैनल द वेरियस काइंड ऑफ डिस्कशंस आर बीइंग डिस्कस्ड रिगार्डिंग द वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द वेरियस चैप्टर्स ऑफ द मैथमेटिक्स चैप्टर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एंड दिस फॉर एक्चुअली द क्लास 11 एंड फॉर 12 ऑल्सो। ओके सो एंड जनरली मेन एंड एडवांस डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कशंस इज देयर। ओके सो here in this video, in this lecture, we are going to solve different types of questions from the continuity chapter. Okay, so in our last lecture we had solved various kinds of questions from the continuity part as well, and here in this video we are going to solve the various questions from the continuity chapter as well. Okay, so just if you like my videos, if you like my lectures, and if you like my teaching, then please subscribe, share, and like with each everyone. Okay, and just if you like my video, just give this like. Okay, नीचे कोने में देखो एक रेड कलर का जो है वो लिखा हुआ होता है सब्सक्राइब, उसको ऐसे क्लिक करना है, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना है, फिर उसके बाद अगर वीडियो पसंद आया, लेक्चर्स पसंद आया तो लाइक भी देना है ऐसा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है आज हम लोग कवर करेंगे, देखते हैं कितना हो सकता है, ठीक है। ये जस्ट राइट द फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट शुरू करो, किसी का भी नाम ले लो, अल्लाह का नाम ले सकते हो, राम का नाम ले सकते हो, गुरु नानक जी का नाम ले सकते हो, किसी एक का नाम ले लो, फिर शुरू हो जाओ, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर वन। ओके, शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर 1/x माइनस 1 बाय ई टू दी पावर 1/x प्लस 1 कॉमा एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, एंड 0 एक्स इक्वल्स टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x equals to 0। ये आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है किस पॉइंट में, x equals to 0 पॉइंट में, ठीक है। तो यहां पर दो केस लेना पड़ेगा, एक है 0 से छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है। तो 0 से छोटा वाला केस जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएगा, 0 से ग्रेटर वाला जो केस है वो राइट हैंड लिमिट में जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पर गिवन ऐसे लिख लो, गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू e to the power 1/x minus 1 by e to the power 1/x plus 1 x not equals to 0। ये not equals to 0 का मतलब क्या है, 0 से छोटा लोगे तभी ये फंक्शन ही चूज करोगे, 0 से ग्रेटर लोगे तभी सेम फंक्शन ही यूज करना है आप लोगों को, ठीक है। सो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट जो शुरू करो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से छोटा इसलिए माइनस साइन, 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। तो दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 8 टू 0 माइनस, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कौन सा केस, ये केस e टू दी पावर 1/x माइनस 1 बाय e टू दी पावर 1/x प्लस 1, एग्री। अब लिमिट x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस 8, और इधर 8 टेंस टू 0 लिख देना है, तो e टू दी पावर माइनस 1/8 माइनस 1 बाय e टू दी पावर माइनस 1/8 प्लस 1, एग्री, ठीक है। अब लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय e टू दी पावर 1/8, क्योंकि माइनस पावर है ना यहाँ पर, फिर 1 बाय e टू दी पावर 1/8 प्लस 1, अगेन, ठीक है। अब तुम यहां पर बोलो, सपोज यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 है, ठीक है, और e टू दी पावर 1/8 है, ठीक है। अब h का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, e टू दी पावर 1/0, दैट मींस e टू दी पावर इंफिनिटी, e टू दी पावर इंफिनिटी मतलब क्या होता है, इंफिनिटी होता है कि नहीं, ठीक है। तो दैट मींस e टू दी पावर h 1/h इस पार्ट के ऊपर अगर मैं h का वैल्यू 0 पुट कर दूं, आंसर क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। तो दैट मींस ये जो e टू दी पावर 1/h दिखाई दे रहा है इसके जगह इंफिनिटी लिख सकते हैं, इसके जगह में भी हम लोग इंफिनिटी लिख सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। तो दैट मीन्स
यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है साइड में जो है वो कर सकते हो e टू दी पावर वन बाई, क्योंकि यहाँ पर एच का एक्सप्रेशन तो एक ही दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर e टू दी पावर वन बाई एच। तो अगर तुम्हें यहाँ पर लिमिट पुट करना है दैट मीन्स एच का वैल्यू जीरो ये पुट करना है तो कहां पर पुट करोगे, जहां पर एच है वहां पर ही तुम एच का वैल्यू जीरो पुट करोगे। दैट मीन्स यहाँ पर e टू दी पावर वन बाई एच ये एक्सप्रेशन में एच का वैल्यू अगर जीरो में पुट कर दूं तो क्या आ रहा है वो साइड में हम लोगों ने चेक कर लिया। यस e टू दी पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी होता है, तो दैट मीन्स किसी के ऊपर पावर इन्फिनिटी मतलब वो इन्फिनिटी ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पर 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1, तो 1 बाई इन्फिनिटी का आंसर कितना होता है 0 माइनस 1 0 प्लस 1, दैट इज अल्टीमेटली क्या होता है आंसर माइनस 1। 1 बाई इन्फिनिटी का आंसर ऑलवेज 1 बाई इन्फिनिटी इसका आंसर ऑलवेज 0 होता है। ठीक है ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट में आओ, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा ये देखो, ये जीरो प्लस, जीरो प्लस एच ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं, देखो। ठीक है, अब यहां पर आओ, यहां पर देखो जीरो प्लस दैट मीन्स ई टू दी पावर वन बाई एच, ई टू दी पावर वन बाई एच यहां पर आ रहा है नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज यहां पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो है कि नहीं, e टू दी पावर वन बाई एच ऊपर जो है हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद देखो तो ऐसा होता है कि नहीं, देखो e टू दी पावर h कॉमन ले लिया, फिर यहां से तो वन रह जाएगा और इधर क्या होगा वन बाई e टू दी पावर वन बाई एच, तो वन बाई e टू दी पावर वन बाई एच मतलब क्या होगा e टू दी पावर माइनस वन बाई एच, है नीचे भी e टू दी पावर वन बाई एच कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा वन प्लस e टू दी पावर वन बाई एच माइनस वन बाई एच, सॉरी, तो यहां पर ये दोनों कैंसिल, है नहीं? तो यहां पर भी देखो सेम केस आ गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो वन माइनस वन बाई e टू दी पावर वन बाई एच, यहां पर भी वन प्लस वन बाई e टू दी पावर वन बाई एच, और e टू दी पावर वन बाई एच का आंसर क्या निकला था इन्फिनिटी, दैट मीन्स वन माइनस वन बाई इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई इन्फिनिटी दैट इज वन माइनस जीरो बाई वन प्लस जीरो इक्वल्स टू वन, इक्वल्स टू आंसर कितना निकल रहा है वन निकल रहा है कि नहीं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो क्या निकला था, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका आंसर क्या निकला था बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या निकला था माइनस वन, ओके, और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या निकल रहा है यहां पर प्लस वन निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो तो ये क्वेश्चन जो है डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्वेश्चन जो है यहां पर थोड़ा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर माइनस वन, राइट हैंड लिमिट का आंसर प्लस वन, तो यहां पर इक्वल नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू जीरो में ये जो गिवन फंक्शन है वो यहां पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, है कि नहीं। सो ऐसे लिख लो, सो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होगा, ये क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन कर लो यहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट उसमें देखो क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू वन माइनस कॉस फोर एक्स बाई एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन जीरो ए एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड दिस रूट एक्स बाई रूट सिक्सटीन प्लस रूट एक्स माइनस फोर एक्स ग्रेटर देन जीरो फाइंड ए सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल्स टू जीरो में जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस गिवन है। ठीक है, वो कंटिन्यूअस क्या होगा गिवन है। अब तुम्हें प्रूफ करना है, सॉरी तुम्हें वैल्यू फाइंड करना है, किसका ए का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर ऑलरेडी कंटिन्यूअस जो है एक्स इक्वल्स टू जीरो में गिवन है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो ऑलरेडी जो है वो इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर
लेफ्ट हैंड लिमिट स्टार्ट करो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो से छोटा, जीरो से छोटा केस ये वन माइनस कॉस फोर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच वन माइनस कॉस फोर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां पर लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस एच लिखना है, ठीक है, माइनस एच दैट मीन्स माइनस फोर एच और इधर जो है माइनस एच होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस, अब कॉस जो है वो इवन फंक्शन होता है, तो अगर यहां पर नेगेटिव साइन है कॉस एक्सप्रेशन के अंदर इवन फंक्शन है तो ये माइनस जो है वो एब्सॉर्ब हो जाता है, दैट इज फोर एच बाई एच स्क्वायर, है नहीं? तो दैट मीन्स यहां पर लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस फोर एच, इसका कोई फॉर्मूला जो है वो पता है क्या? यहां पर देखो वन माइनस कॉस ट्वाइस एक्स, वन माइनस कॉस ट्वाइस एक्स, इसका फॉर्मूला है टू साइन स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स यहां पर जो होगा उसका हाफ होगा यहां पर, तो यहां पर अगर सपोज फोर है तो यहां पर ट्वाइस एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स टू साइन स्क्वायर ट्वाइस एच बाई एच स्क्वायर, ठीक है नी? तो दैट मीन्स लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर ट्वाइस एच बाई एच स्क्वायर, ये टू जो है नीचे ले जाते हैं, ठीक है नी? लिख सकते हैं ऐसे। फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर ट्वाइस एच, साइन स्क्वायर ट्वाइस एच, ठीक है, ये जो टू है, ये जो बाई टू है, यहां पर साइन के साथ क्या एक्सप्रेशन है, ट्वाइस एच है, तो नीचे भी ट्वाइस एच चलाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, ये जो टू जो है ये बाहर लेके आ जाते हैं, नीचे लिखने का कोई जरूरत नहीं, यहां पर बाहर लेके आ जाओ, टू को बाहर लेके आ जाओ और इधर एच स्क्वायर है, ठीक है, तो एक काम करते हैं इधर फोर और इधर फोर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो टू इंटू लिमिट देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये टू और फोर मल्टीप्लाई होके एट लिख दो डायरेक्ट, और इधर साइन ट्वाइस एच बाई ट्वाइस एच होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, देखो क्योंकि टारगेट हम लोग का क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू वन, ये एक्सप्रेशन जो है किसी तरह मुझे लाना है, दैट मीन साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू वन लिख सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द लिमिट फॉर्मूला, तो यहां पर साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स एट इंटू वन स्क्वायर दैट इज वन, आंसर इज एट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो क्या निकल रहा है, एट निकल रहा है, ठीक है। फिर राइट हैंड लिमिट जो है वो स्टार्ट करो, ठीक है, हो गया, ये टू जो है नीचे लाना जरूरत नहीं था, टू को बाहर ही लिख दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में आओ, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स यहां पर क्या होगा, रूट एक्स बाय रूट सिक्सटीन प्लस रूट एक्स माइनस फोर। तो यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच और इधर रूट एक्स बाय रूट सिक्सटीन प्लस रूट एक्स माइनस फोर। तो यहां पर लिमिट एच टेंस टू जीरो लिख देंगे और एक्स के जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, प्लस एच, दैट मीन्स रूट एच बाई रूट सिक्सटीन प्लस रूट एच माइनस फोर, है कि नहीं? लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट एच, ठीक है, जब भी कभी ये लिमिट के अंदर रूट ओवर का एक्सप्रेशन आ जाए तो हमेशा याद रखना, और वो भी स्पेशली डिनोमिनेटर पार्ट में, तब तुम्हें जो है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस,
है। डिनोमेटर में अगर कोई भी रूट ओवर का टर्म्स यहाँ पर दिखाई दे तो आप लोगों को क्या यूज करना है, रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करना है। रैशनलाइजेशन मतलब मेथड क्या होता है, अगर रूट का जो टर्म है, एग्जिस्टिंग टर्म है, उसमें अगर बीच में जो है माइनस है तो आपको मल्टीप्लाई करना है सेम टर्म ही, बट बीच में जो है प्लस होगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रूट ओवर 16 प्लस रूट 8 प्लस 4 बाय रूट ओवर 16 प्लस रूट 8 माइनस 4 8 और 16 प्लस रूट 8 प्लस 4। देखो ऊपर नीचे हम लोगों ने प्लस 4 देकर मल्टीप्लाई किया। अब होने के बाद क्या होता है, रूट 8 ऊपर तो है एज इट इज सेम रहेगा, उसमें और कुछ नहीं लिखना है, एज इट इज सेम रख दो। और नीचे जो है ए प्लस बी या माइनस बी, एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज होता है। देखो एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, नीचे जो है देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ ये रहता है माइनस 16, यहाँ पर भी रूट एच और 16 प्लस रूट एच प्लस 4, यहाँ पर 16 कैंसिल, ऊपर नीचे जो है रूट एच भी कैंसिल हो जाएगा। देखो रूट एच 16 प्लस रूट एच प्लस 4 बाय रूट एच, देखो ऊपर नीचे जो है रूट एच भी कैंसिल हो गया, रूट एच भी कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, देखो यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर क्या रह गया 16 प्लस रूट एच प्लस 4, सिर्फ ये रह गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। क्या रह गया यहाँ पर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो रूट ओवर 16 प्लस रूट एच प्लस 4, सिर्फ ये टर्म रह गया। अब एच का वैल्यू जीरो पुट कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है, यहाँ पर लिमिट हम लोग जो है पुट कर सकते हैं। 16 प्लस जीरो दैट मींस रूट 16 प्लस 4 दैट इज 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 निकला था, राइट हैंड लिमिट भी 8 निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना था, यहां पर ए का वैल्यू निकालना था ना, सिंस एफएक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ एफएक्स, तो ये 8 इक्वल्स टू 8 और इसका वैल्यू क्वेश्चन में देखो a गिवन है, दैट मींस a का वैल्यू क्या निकल रहा है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में देखो सेकंड ब्रैकेट के नीचे कॉर्नर में लिखा हुआ है 8, है कि नहीं, a लिखा हुआ है, a का वैल्यू यहाँ पर 8 निकल गया, हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना कि सर ये फिर से रिपीट कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, अगर समझ में आ गया तो आप लोगों को प्रोसीड करना है। इसी क्वेश्चन से इतना ये प्रॉब्लम होना जो है ये आई थिंक वो आप लोगों का आएगा फिर, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड के का वैल्यू निकालना है, इफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1 और ये के एक्स इक्वल्स टू 1 और ये एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है, कंटिन्यूअस गिवन है, तुम्हें k का वैल्यू निकाल के दिखाना है यहां पर, ठीक है, ठीक है। अब हो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट में, x इक्वल्स टू 1, दैट मींस x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है। सो एफ एक्स 1 माइनस 1 से छोटा कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला लॉस लेस इक्वल्स टू 1, दैट मींस
नॉट इक्वल्स टू वन, लेस देन वन और ग्रेटर देन वन, दोनों में ही सेम फंक्शन यूज करना है. सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस वन. दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एच. ऊपर जो है एक काम को लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, अरे सॉरी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. देखो यहाँ पर ट्वाइस एक्स माइनस एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस वन, छोटा कर लेते हैं. यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एच, यहाँ पर एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, दोनों दो पे कैंसिल हो जाता है. ठीक है, अब जो है छोटा हो गया. अब जो है एक्स के जगह जो है जो रिप्लेस करना है तुम लोगों को, रिप्लेस कर दो एक्स के जगह वन माइनस एच, ये एक्स के जगह वन माइनस एच माइनस टू पुट कर दो. अब एच का वैल्यू जीरो जो है यहाँ पर पुट कर दो, क्या आएगा वन माइनस टू इज माइनस वन. ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर. राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ एक्स, तो वही सेम ही रहेगा प्लस टू बाई एक्स माइनस वन. तो उसको थोड़ा देखो, हम लोगों ने थोड़ा मिडिल टर्म करके जो है छोटा कर दिया था ना, है तो वही लिख दो डायरेक्ट एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू. अब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिख दो, क्योंकि यहां पर तो हम लोगों ने कैलकुलेशन एक बार कर ही लिया, यहां पर बार बार दिखाना जरूरत नहीं होता है, डायरेक्ट लिख दो एक्स माइनस टू. तो यहां पर देखो एच टेंड्स टू जीरो और एक्स की जगह वन प्लस एच माइनस टू, दैट इज एच का वैल्यू जीरो, दैट इज माइनस वन. सो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल निकल रहा है और कंटिन्यूअस भी गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, सो यहां पर लिखो अकॉर्डिंग सिंस, ऐसे लिख लो सिंस सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू वन, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एक्स टेंड्स टू वन, मतलब वन में एफ एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ है शायद क्वेश्चन में, है नहीं? तो दैट मीन्स ये माइनस वन, ये भी माइनस वन इक्वल्स टू के. सो वहां से हम लोग को के का वैल्यू क्या निकलता है, माइनस वन मिलता है, के का वैल्यू माइनस वन मिलता है. ठीक है, ठीक है. अच्छा यहां पर देखो हम लोग जो है कंटिन्यूटी का डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और ऑलमोस्ट एक्चुअली दिस कंटिन्यूटी चैप्टर अबाउट टू कंप्लीट. ओके, आई थिंक दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फ्रॉम द कंटिन्यूटी. ओके टेम्पररी, ओके एक्चुअली टेम्पररीली दिस कंटिन्यूटी चैप्टर इज कंप्लीटेड. ओके, वेरियस क्वेश्चंस एंड वेरियस काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, सो जस्ट इफ यू स्टक इन वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके व्हिच इज नॉट डन इन द क्लास, देन यू कैन सेंड मी द क्वेश्चन एज वेल इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, डन. क्या का वैल्यू यहाँ पर माइनस वन मिल गया, है कि नहीं? ठीक है, अब जो है ठीक है नेक्स्ट डिटरमाइन ए कोमा बी कोमा सी, दैट मीन्स ए बी सी का वैल्यू निकालना है. दैट मीन्स और एफ एक्स क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये एक्स लेस देन जीरो वाला केस. बीच में सी होता है, ये एक्स इक्वल्स टू जीरो केस. और नीचे जो है एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई b into x to the power 3 by 2, ये x greater than 0 वाला केस. ठीक है, is continuous at x equals to 0. ये continuous given है ऑलरेडी. तुम्हें a b c का वैल्यू निकालना है. ये जो a दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, a ये c और ये b, ये सब का वैल्यूज तुम्हें निकाल के दिखाना है. That means, यहाँ पर तो कंटिन्यूअस गिवन है, that means obviously left hand limit and right hand limit will be same. तो just let's check left hand limit. Limit x tends to zero minus of f x, zero minus less than zero. That means ये function. कौन सा function? ये function. That means sine a plus one into x plus
साइन एक्स बाय एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एच, ठीक है। ऊपर जो है देखो एक एक्सप्रेशन हम लोग को मिल रहा है वो साइन ए प्लस साइन बी का एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। अब क्लास इलेवेंथ में जो है साइन ए प्लस साइन बी का एक फॉर्मूला हम लोग को मिला था, टू इंटू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये फॉर्मूला मिला था क्लास इलेवेंथ में। अगर नहीं मिला था साइड में लिख लो, ये ट्रिगोनोमेट्री क्लास इलेवेंथ का फॉर्मूला होता है। तो टू इंटू साइन ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस वन ये ए होता है प्लस बी ये होता है ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये फॉर्मूला लिख लो साइड में, कॉस ए माइनस बी ये ए होता है और ये बी होता है बाई टू, ठीक है, होल बाई एक्स, तो यहां पर एक है ही तुम्हारे पास, ठीक है। अब यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एच, या इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिर उसके बाद शुरू करेंगे। टू इंटू साइन ये क्या होता है ट्वाइस एक्स प्लस ए बाई टू इंटू कॉस ट्वाइस एक्स कहां से आ गया, यस ट्वाइस एक्स और इधर ए एक्स, ए एक्स ओके, और इधर क्या आएगा ए एक्स और यहां पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा बाई टू होल बाई एक्स, देखो ऐसा आ रहा है कहीं, ऐसा आ रहा है अब जो है हम लोग क्या करेंगे यहां पर देखो मैंने बोला था लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में कोसाइन फंक्शन का कुछ भी एक्सप्रेशन रहे वहां पर तुम लोग जो है लिमिट बिठा दो, यहां पर एक्स का वैल्यू यहां पर पहले x के जगह सब्स्टिट्यूट कर लो, लिमिट एक काम करो x के जगह ये जो है h टेंड्स टू जीरो और x के जगह क्या रिप्लेस करना है माइनस h रिप्लेस करना है, कर दो अभी, ठीक है अभी कर दो, कोई जरूरत नहीं है। यहां पर a प्लस टू बाई टू, ए प्लस टू बाई टू और इधर माइनस h और इधर cos a इंटू माइनस h बाई टू होल बाई माइनस h, ठीक है। थोड़ा सुंदर करके यहाँ पर x जो है मैंने कॉमन ले लिया है, a प्लस टू बाई टू लिख दिया और बाहर जो है x लिख लिया था, ठीक है। अब x के जगह माइनस एच बिठाना है तो x के जगह माइनस एच बिठा दिया, ठीक है, थोड़ा रीअरेंज कर दिया उसको और कुछ नहीं। अब जो है इसमें h का वैल्यू अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो जीरो जीरो एंड ट्वेंटी थी जीरो कॉस जीरो आंसर इज वन, तो यहां पर ये कोसाइन एक्सप्रेशन जो है उसको तुम ओमिट कर सकते हो, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब टू इंटू, अब मैंने बोला था कि साइन फंक्शन में कभी भी अगर अंदर एंगल के साथ निगेटिव साइन रहे वो निगेटिव साइन कहां आता है बाहर आ जाता है, ऐसे बाहर लाओ, एक काम करो ये टू को भी तुम लिमिट के बाहर लिख दो, ठीक है। ये माइनस बाहर साइन ए प्लस टू बाई टू इंटू एच ऐसे लिख दो और नीचे तो माइनस एच तो है तुम्हारे पास, और ये माइनस जो है देखो कैंसल हो गया, ठीक है। अब जो है टू, ठीक है, अब एक काम करो साइन का एक्सप्रेशन आ गया, टारगेट कौन सा बन गया अभी तुम्हारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू वन, ये फॉर्मूला किसी तरह मुझे यहां पर अप्लाई करना है, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो यहां पर x x ये साइन x बाई एक्स ये फॉर्मेशन लाना है, देखिए साइन के साथ जो फॉर्मेशन रहे वही फॉर्मेशन जो है डिनोमिनेटर में रहना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखो साइन के साथ ये एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में तो ये एक्सप्रेशन नहीं है, है कि नहीं। देखो तो अब मैं ला रहा हूं, देखो ए प्लस टू बाई टू यहां पर एक लिया है फोर्सफुली, उधर भी ए प्लस टू बाई टू एक फोर्सफुली लिया है, अब देखो तो एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं, ये देखो देखो तो आ रहा है कि नहीं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन देखो फॉर्मूला बन रहा है ना साइन एक्स, ये पूरा एक्स है बाई एक्स आंसर वन, ठीक है कि नहीं। और बाकी क्या रह गया, बाकी तो यहां पर ए प्लस टू बाई टू रह गया उसमें, और लिमिट तो यूज नहीं करना पड़ता क्योंकि एच ही नहीं है, तो दैट मीन्स यहां पर टू टू कैंसल, ओनली ए प्लस टू इज द आंसर ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट।
ठीक है, राइट हैंड लिमिट में जाओ, राइट हैंड लिमिट में देखो क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट में जाओ, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो प्लस जीरो ही तो है ना, हाँ जीरो प्लस एफ एक्स क्या होता है, देखो जीरो प्लस मतलब जीरो से ग्रेटर, तो फंक्शन क्या है यहाँ पर देखो, रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाय बी इंटू एक्स टू दावर थ्री बाई टू, देखो ये फंक्शन बन गया, क्वेश्चन में दिया भाई जीरो से ग्रेटर मतलब यही फंक्शन आप लोगों को चूज करना है, फिर से यहाँ पर रूट आ गया, अब रूट आ गया दैट मीन्स आप लोगों को क्या यूज करना है, रूट आ गया मतलब आप लोगों को यहाँ पर रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करना है, रैशनलाइजेशन मतलब मुझे कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अब रैशनलाइजेशन किसको करेंगे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को, जिसमें रूट ओवर का टर्म रहेगा उससे ही करेंगे, बड़ा वाला जो रूट ओवर टर्म जिसमें रहेगा उसको ही करेंगे, यहाँ पर बड़ा वाला जो रूट ओवर टर्म है कहां पर दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में शायद देखो तो है नहीं, तो यहां पर रैशनलाइजेशन जो है हम लोग न्यूमरेटर को करेंगे, दैट मीन्स एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स पर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, देखो कंजुगेट आ गया और b इंटू एक्स टू दावर थ्री बाई टू, बेचारा जो है वो अकेला रह जाएगा, उसमें रूट बुट तो कुछ नहीं है, है? हम लोग बाद में देखेंगे उसको, बाद में सोचेंगे इसके बारे में, ठीक है, x प्लस सोचेंगे इसके बारे में बाद में, है? अब एक साथ तो हर किसी के बारे में नहीं सोच सकते हो ना, है एक एक करके सोचना है, ठीक है, अब आओ नेक्स्ट हियर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ओके, नाउ इन द न्यूमरेटर पार्ट दैट यू कैन सी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मेशन इज देयर, a प्लस बी ए माइनस बी इन द न्यूमरेटर पार्ट, जस्ट यू कैन सी है माइंड क्लियर दैट यू कैन सी दिस a प्लस बी ए माइनस बी, देयर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हियर a इज व्हाट दिस वन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल बाय b इंटू एक्स टू दावर थ्री बाई टू एंड इन दिस ब्रैकेट पार्ट x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इज देयर, हो गया, अब न्यूमरेटर में शायद रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है कि नहीं, गलत बोल रहा हूं क्या, और इधर b x टू दी पावर थ्री बाई टू और इधर रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स है कि नहीं, यहां पर x x देखो कैंसिल, तो लिमिट लिमिट अच्छा यहां पर देखो h टेंड्स टू जीरो बिठा दिया ना, तो ये तो राइट हैंड वाला केस है, तो ये काम करो h टेंड्स टू जीरो बिठा देंगे हम लोग, x के जगह जो है प्लस h बिठा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम लोग लिमिट यूज करेंगे तब बिठा देंगे, यहां पर मिस हो गया है, हम लोग बिठा सकते हैं बाद में, x के जगह जो है h जो है बिठा सकते हैं, यहां पर देखो बी एक्स स्क्वायर बाई बी इंटू एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू और इधर रूट, देखो रूट ये एक्स ये यहां पर एक्स स्क्वायर, तो यहां पर देखो x कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, वन प्लस बी एक्स ले सकते हैं, और इधर तो रूट एक्स तो है ही तुम्हारे पास, एक यहां पर देखो बी बी कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखो ये यहां पर x टू दी पावर, दैट मीन्स x टू दी पावर एक्सपोनेंट में चले जाओ, डिवाइड में है पावर माइनस हो जाएगा, देखो ये माइनस हो गया, और ये देखो ये जो x है ये रूट के अगर बाहर आए तो रूट एक्स के बाहर आएगा रूट वन प्लस बी एक्स, यहां पर भी रूट एक्स, यहां पर x के जगह क्या रिप्लेस करना था, जीरो प्लस एच है ना, देखो तो थोड़ा x के जगह क्या रिप्लेस करना है, जीरो प्लस एच, दैट मीन्स प्लस एच, तो यहां पर एक काम करो x के जगह हर जगह जो है h बिठा दो, हो जाएगा h बिठा दो, तो दैट मीन्स यहां पर देखो फोर माइनस थ्री बाई टू, यहां पर भी रूट एच, यहां पर भी वन प्लस बी एच, और प्लस यहां पर एक काम करो ये कॉमन ले लो तो ये वन हो जाएगा, देखो रूट एक्स अगर कॉमन चला जाए तो दिस प्लस वन तो हो गया और भी छोटा हो गया, सो दैट मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये देखो एच टू दी पावर फोर माइनस थ्री बाई टू मतलब हाफ है ना, तो एच टू दी पावर हाफ इसका मतलब क्या होता है,
रूट एच एच टू द पावर हाफ माने रूट एच दैट मीन्स रूट एच बाई रूट एच रूट ओवर वन प्लस बी एच प्लस वन रूट एच कैंसिल ठीक है अब तो कुछ नहीं रह गया एक काम करो एच का वैल्यू जो जीरो है वो पुट करके देखो तो डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है कि नहीं यहां पर देखो ये एच का वैल्यू जीरो पुट कर दे तो रूट वन प्लस रूट वन दैट इज वन बाई टू आ रहा है वन बाई टू आ रहा है यहां पर है कि नहीं ठीक है तो यहां पर देखो राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है हाफ लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया था ए प्लस टू है कि नहीं है? तो देखो सिंस यहां पर तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस गिवन है ना देखो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ऑफ एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया था ए प्लस टू शायद फिर राइट हैंड लिमिट का हाफ और इसका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सी सी दिया हुआ है ना देखो क्वेश्चन में सी दिया हुआ है डायरेक्ट एक्स का वैल्यू जब जीरो हो तब एफ एक्स का वैल्यू क्या है सी होता है अब ये देखो एक यहां पर इक्वलिटी जो है वो आप लोग मिल गया तो यहां पर देखो तो ऐसे लिख सकते कि नहीं ए प्लस टू इक्वल्स टू हाफ एक आइडेंटिटी लिख सकते हैं सी इक्वल्स टू हाफ एक लिख सकते हैं तो सी का वैल्यू हाफ निकल गया ए का वैल्यू यहां पर हाफ माइनस टू दैट इज ए का वैल्यू यहां पर माइनस थ्री बाई टू देखो माइनस थ्री बाई टू है ना है और सी का वैल्यू हाफ अब बी का वैल्यू कहां से आएगा बी तो नहीं है बी तो यहां पर देखो बी तो यहां पर नहीं होगा बी अगर यहां पर निकालना तो है यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड सी दैट यू हैव फाउंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड सी बट वेयर इज बी बी का वैल्यू तो हम लोगों ने नहीं निकाला है ना यहां पर ठीक है बी का वैल्यू जो है उसके लिए थोड़ा जो है ये वाला चीज जो है यूज करना पड़ेगा अब जिसके पास है वही यूज करेगा जिसके पास नहीं है वो राम 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 ऐसे जपते रहो क्या करोगे ठीक है ना क्योंकि आप लोगों ने पहले जो है मैथमेटिक्स को इतना नहीं लिया था उसके जो डेप्थ में नहीं घुसा था क्योंकि इलेवन में ऐसे ही चले आगे इलेवन में क्योंकि और उसके ऊपर भी ये एग्जाम अभी नहीं हुआ है इलेवेंथ का फाइनल एग्जाम नहीं तो ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा देखो डीपली अब मैं क्या बताऊं देखो यहां पर फंक्शन क्या दिया गया था जो फंक्शन दिया गया है ठीक है अब देखो बी का वैल्यू निकालना है ना एकदम नीचे जाओ एकदम नीचे थर्ड सेकंड ब्रैकेट देखे तीन पार्ट लिखा हुआ है ना एकदम लास्ट पार्ट में जाओ लास्ट पार्ट में देखो यहां पर लिखा हुआ है रूट ओवर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ओके माइनस रूट एक्स बाई बी इंटू एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू अच्छा यहां पर अगर मैं फंक्शन में यहां पर बी के जगह जो है जीरो बी के जगह जीरो पुट कर दूं जीरो पुट कर दूं तो यहां पर देखो तो ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा है अनडिफाइंड नहीं होगा क्या देखो तो ये बी जो है नीचे जीरो जो है वो अगर बिठा दे नीचे वो देखो पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो गया ना तो दैट मीन्स यहां पर बी का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है एक है कि नहीं तो दैट मीन्स यहां पर बी का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है अगर बी का वैल्यू जीरो यहां पर पुट कर दे तो फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जा रहा है तो इसलिए यहां पर बी का वैल्यू जीरो पुट नहीं कर सकते ठीक है फिर उसके ऊपर जाओ न्यूमरेटर में जाओ न्यूमरेटर में जो है एक रूट के अंदर बी है रूट के अंदर जो है बी है तो यहां पर देखो बी का वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकता है बट बी का वैल्यू निगेटिव हो सकता है बी का वैल्यू क्या हो सकता है निगेटिव वैल्यू हो सकता है ना हो सकता है कि नहीं बी का वैल्यू निगेटिव तो बी का वैल्यू सपोज मैं यहां पर बी का वैल्यू सपोज यहां पर माइनस वन चूज कर रहे हैं ठीक है या फिर माइनस टू चूज कर रहे हैं सपोज यहां पर रूट का टर्म क्या है थोड़ा देखो उसको एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ऐसा है ना ठीक है अब बी का वैल्यू सपोज मैं क्या चूज कर रहा हूं एक्स प्लस
माइनस टू चूज कर रहे हैं, माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू तुम यहां पर क्या चूज करना है, ग्रेटर देन जीरो, देखो साइड में लिखा हुआ है ना ग्रेटर देन जीरो, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कोई भी मन में जो आए पुट करो, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो इट मींस वन, पुट करो वन, तो वन माइनस टू इंटू वन दैट मींस वन माइनस टू सॉरी दैट इज रूट ओवर माइनस वन, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है यहां पर। देखो यहां पर बी का वैल्यू अगर मैं माइनस वैल्यूज चूज करूं यहां पर, ये रूट ओवर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर का जो आंसर है वो क्या आ रहा है यहां पर, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो यहां पर तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं आ सकता है क्योंकि रियल वैल्यू फंक्शन है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं आ सकता है। तो अब हम लोग क्या करें, दैट मीन्स यहां पर बी का जो है नेगेटिव वैल्यूज भी हम लोग चूज नहीं कर पाएंगे, ओनली ग्रेटर देन जीरो वैल्यू ही पुट कर पाएंगे, जीरो ये वैल्यू हम लोग चूज नहीं कर सकते, जीरो भी चूज नहीं कर सकते, तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या बचा है, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो वैल्यूज ही हम लोग यहाँ पर बी का चूज कर सकते हैं, जिससे ये जो गिवन फंक्शन है वो डिफाइंड हो जाए। अब देखो यहाँ पर बी का वैल्यू निकालना है, है? हम लोग तो यहाँ पर बी तो मिला ही नहीं, तो हम लोग को तो कुछ तो खाना ऐसे नहीं खा पाए तो क्या होगा, अब तो चम्मच देके खाना पड़ेगा ना किसी तरह, तो मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पर, अब बी का तो वैल्यू छोड़ नहीं सकते हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है ना उस फंक्शन से कुछ लिंक जो है वो मिलता ही है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द लिंक इन द गिवन फंक्शन एज वेल, ओके वेदर देयर इज एनी काइंड ऑफ लिंक इज गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग द बी, रिगार्डिंग द वैल्यूज ऑफ बी एज वेल, ओके एंड आफ्टर दैट आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन दैट वी हैव दिस आइडिया दैट द वैल्यू ऑफ बी could not be zero as well, because in the denominator part if b equals to zero was there then the denominator part will be zero and the whole function will be undefined, so that's why b not equals to zero, that could be chosen. And after that for the numerator part if I choose b equals to minus 1, just b not equals to zero means what, b ka below जीरो से छोटा या जीरो से ग्रेटर भी चूज कर सकते हैं हम लोग, अब चेक कर रहे हैं जी का बी का वैल्यू लेस देन जीरो चूज करके चेक कर रहे हैं कि जो न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या सेटिस्फाई हो रहा है। अब कैसे ये दिमाग में आ गया, ये बी का वैल्यू जो है लेस देन जीरो बीटा के भी चेक करना है क्योंकि रूट ओवर का टर्म्स है और हम लोग ये जानते हैं कि रियल नंबर में रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर जो है वो नहीं आ सकता है, ठीक है, तो हम लोग को चेक तो करना है क्योंकि रूट ओवर टर्म तो यहाँ पर क्वेश्चन में है। अब किसी बी का ऐसा भी तो हो सकता है ना, बी का कुछ भी वैल्यू यहाँ पर चूज कर दे और रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो तो रियल नंबर नहीं होगा ना, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, तो इसलिए जो है हम लोगों ने चेक किया है कि बी का वैल्यू नेगेटिव चूज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि बी का वैल्यू यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू चूज कर रहे हैं तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, दैट मींस नेगेटिव जो है हम लोग चूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, याद रखना नेगेटिव वैल्यू चूज नहीं कर पाएंगे, देखो तो नेगेटिव वैल्यू चूज नहीं कर पाएंगे, इक्वल टू जीरो चूज कर नहीं पाएंगे, तो बाकी बचा एक ग्रेटर देन जीरो, दैट मींस सो बी बिलोंग्स टू आर प्लस, मतलब ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स, दैट मींस बी का वैल्यू क्या है ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स, दैट मींस पॉजिटिव रियल नंबर से तुम कुछ भी वैल्यू यहां पर चूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है हो गया, देखो कितना कॉन्सेप्चुअल है, इतना दिमाग लगाना पड़ता है यहां पर, है कि नहीं, अब आओ, ठीक है हो गया। अब जो है हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे, ठीक है, अब जो है वीडियो लंबा हो रहा है और सुनो दो क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव चैनल है तो लेक्चर्स जो है वो तो लंबा तो हो गए, ठीक है, तो डरना नहीं है, डर के आगे जो है वो जीत है, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है, नहीं तो मार पड़ेगा, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन आउटकम मैं जीतूंगा, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन याद है, बाइनरी दो का फाइट आउटकम क्या है, मैं जीतूंगा, अब मेरे साथ फाइट करोगे तो कहां से जीतोगे, अब सलमान खान तो यहां पर नहीं आएंगे ना, है कि नहीं, तो दैट मींस यहां पर
सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जो है एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के, ये लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। fx इक्वल्स टू log 1 प्लस x बाई ए माइनस log 1 माइनस x बाई बी हो गया होल बाई x, x नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। फाइंड fx एट x इक्वल्स टू 0 सो दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स fx जो है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 में। तुम्हें वैल्यू किसका निकालना है, fx का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल्स टू 0। तो ये जो चीज है इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx, ये जो बात है और ये जो लाइन है सेम है दोनों। दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू 0 जब होगा fx का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब ही ये होता है। दैट मीन्स इस चीज का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब जो है लेफ्ट हैंड यहाँ पर गिवन फंक्शन जो है उसको थोड़ा, इतना बड़ा फंक्शन है देखो, कुछ छोटा कर सकते नहीं, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर log 1 प्लस x बाई ए और माइनस log 1 माइनस x बाई बी होल बाई x और साइड में x नॉट इक्वल टू 0 भी लिखो। दैट मीन्स x टेंस टू 0 प्लस ये log 1 प्लस x बाई ए बाई x है माइनस log 1 माइनस x बाई बी बाई x, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 हो ग्रेटर देन 0 हो मुझे यही फंक्शन चूज करना है। दैट मीन्स x टेंस टू 0 प्लस h तो यहां पर क्या होगा, log 1 प्लस x बाई ए बाई x माइनस log 1 माइनस x बाई बी बाई बाई x, ठीक है। ठीक है, अब जो है देखो तो x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, h, ये राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिख लो, 0 प्लस है ना। तो यहां पर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस h, h रिप्लेस करेंगे ना यहां पर h। देखो लिमिट अगर होल थिंग बाहर है और होल थिंग एक ब्रैकेट में है तो लिमिट का हम लोग जो है पार्ट पार्ट करके लिख सकते हैं, बीच में माइनस साइन है ना, ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो पार्ट कर दिया हम लोगों ने है, तो ये सब जो है लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ये तो सब तो है क्लास 11 में तो होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो हम लोग जो है लिमिट यहां पर पार्ट कर दिए, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब देखो लॉग रिलेटेड मेरे पास लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है, लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला हम लोग लास्ट जो लेक्चर है उसमें लॉग रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है हम लोगों ने किया था, ठीक है। सो यहां पर x बाई एक्स ऐसा होना चाहिए, दैट मीन्स log 1 प्लस h बाई ए, दैट मीन्स नीचे भी h बाई ए आना चाहिए, तो ए तो था नहीं तो ए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया यहां पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 माइनस, 1 माइनस क्या है, माइनस ना लिखे ऐसे लिख दो माइनस h बाई बी, क्योंकि जो मेन फॉर्मूला है वो तो प्लस का है ना। तो यहां पर देखो h तो ही लेकिन क्या नहीं है, एक माइनस भी नहीं है, देखो यहां पर माइनस भी लेके आ जाओ, है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये तो आंसर 1 है ना, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, बाकी क्या रह गया, 1 बाई, ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर क्या है, 1, बाकी क्या रह गया, 1 बाई माइनस बी, तो यहां पर माइनस ऑफ माइनस 1 बाई बी, दैट इज 1 बाई ए प्लस 1 बाई, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी।
तो यहाँ पर तो ये तो कंटिन्यूअस जो है वो ऑलरेडी गिवन है, कंटिन्यूअस गिवन है ना, तो दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट का आंसर ही आया। लेफ्ट हैंड लिमिट का भी तो आंसर सेम ही आएगा ना, 1/a + 1/b, क्वेश्चन में तो गिवन है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो लिखो सिंस, और यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, सिंस fx यहाँ पर बात तो एक ही होगा ना, सिर्फ प्लस का जगह माइनस आएगा, fx is continuous at x equals to 0, so left hand limit equals to right hand limit equals to third वाला क्या है, ये है जो हम लोग को क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया था, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 1/a + 1/b और ये लिमिट x tends to 0 ऑफ fx, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ गया, अल्टीमेटली क्या है आंसर, सो एट x equals to 0 fx equals to 1/a + 1/b, ये है आंसर। लेकिन x equals to 0 में fx का क्या आंसर मिला, 1/a + 1/b। ठीक है, तो आज देखो हम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस जो है कवर किया है इस लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे और कुछ टाइप और कुछ क्वेश्चंस बाकी है कि नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक स्पेशल अनाउंस है, देखो हम लोग जो है मैं सोच रहा हूं कि कल से ये JEE मेन और एडवांस का जो है सेशन जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो एंट्रेंस देने वाले हैं JEE मेन एडवांस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कल से एक्सक्लूसिव सेशन। ओके, तो ये जो है आप लोग कल शाम को सुबह को मैं ये लेक्चर जो है अपलोड करूंगा। तो हर कोई जो है, जो दोज हु आर वेरी मच विलिंग टू फेस द JEE मेन एंड एडवांस लेवल एग्जाम्स, प्लीज अटेंड द क्लासेस एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर द क्वेश्चन विल बी डन इन द क्लास। And we will start actually the very interesting chapter. Okay, and I think it will be better if I start the definite integral. Okay, definite integral chapter जो है हम लोग start करेंगे। JEE main और advanced level का जितना उस level का questions हैं हम लोग कल जो है एक lecture जो है हम लोग इसके ऊपर देंगे। धीरे धीरे interesting part से शुरू करते हैं, boring part से तो शुरू करना है तब bore लगता है ना, integration से शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो ये JEE मेन और एडवांस जो है आप लोगों ने ये बोर्ड स्टैंडर्ड का तो पढ़ाई जो है वो सब कर लिया है कि नहीं। अब जो है हम लोग जो है इंटीग्रेशन के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर देंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग आप लोग को रिकॉल कराएंगे। ठीक है, कि ऐसा होता है डिफरेंट इंटीग्रल ऐसे 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 किया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग जो है डिफरेंट क्वेश्चन जो है डिफरेंट इंटीग्रल का सॉल्व करेंगे फॉर JEE मेन एंड एडवांस। ओके, ये 2020 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब 2 महीने बाद हो 1 महीने बाद हो एग्जाम तो होगा, तो डेफिनेट इंटीग्रल कल हम लोग करेंगे। 30-35 क्वेश्चंस जो है हम लोग करेंगे, 35 क्वेश्चंस एक लेक्चर में नहीं, ये पागल हो जाएंगे हम लोग, एक लेक्चर में नहीं 2-3 लेक्चर में हम लोग ये सब क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। ठीक है, जो एक्चुअली दिस फॉर दिस एंट्रेंस लेवल क्वेश्चन, एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड those who have actually the very strong idea about the definite integral, and if you don't have the idea, and if you have forgot all the things, all the concepts regarding the definite integral, just try to recall all the concepts first. Okay, just today itself, just you should study all the definite integral parts and definite integral properties. Whatever are there, just try to actually recall, remind all the things. And after that, the advanced level questions will be done and will be discussed also in my class. Okay, Mathematics Icon and by your mathematics teacher, O.B. Roy. Okay, just till then, stay safe and subscribe, like and share my channel. And just stay at home and don't try to go outside without any proper reason. Okay, without any urgent work. आप लोग का तो अर्जेंट वर्क इस उम्र में तो बहुत सारा होता है, तो ये सब अर्जेंट काम जो है वो जस्ट कीप असाइड एंड यू हैव टू स्टे एट होम, डोंट गो आउटसाइड एंड स्टे सेफ।
ओके टिल देन बाय एंड जय हिंद।